हाल ही में हूती ने इसराइल के तेल अविव में एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। इस हमले को लेकर हूती ने कहा था कि उसने तेल अविव में एक अहम टारगेट को निशाना बनाया है। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि इस हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं था, जिसका मतलब ये हुआ कि हूती ने इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। हालांकि हूती ने जिस वक्त ये हमला किया था उस वक्त उसने ये जरूर बताया था कि तेल अविव पर हमले में जाफा ड्रोन यानी याफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और उसने जाफा यानी कब्जे वाले फिलिस्तीन, जिसे आज तेल अविव के नाम से जाना जाता है, उस पर बहुत बड़ा अटैक किया था। लेकिन अब हूती ने इस ड्रोन के रहस्य से पूरी तरह से पर्दा हटा दिया है। हूती की सैन्य मीडिया ने इस ड्रोन की लॉन्चिंग और एग्जीबिशन का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस याफा ड्रोन की खासियतों को बताया गया है। हूती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है। ये एक लंबी दूरी वाला ड्रोन है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। साथ ही इस ड्रोन को उच्च विस्फोटक हथियारों से लैस किया जा सकता है और ये रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। हूती का कहना है कि ये ड्रोन बेहद ही विध्वंसक है। ये एक एडवांस ड्रोन है और तकनीकी रूप से कई अहम क्षमताएं हैं। हूती का ये भी कहना है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार 19 जुलाई 2024 को तेल अविव यानी याफा पर हमले के लिए किया गया था। उस वक्त इस ड्रोन ने सीधा हमला किया जिसमें एक इजरायली सेटलर की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे और इस हमले के बाद ही इजरायल ने यमन के होदेदा शहर में बने तेल डिपो पर कई एयर स्ट्राइक की थी जिनमें भयानक धमाके हुए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं तेल अविव पर हमले के बाद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने तुरंत तेल अविव को एक असुरक्षित इलाका घोषित किया था और इसे हूती के हमलों का वैध टारगेट भी बताया था। और याया सारी ने यह भी कहा था कि हम इसराइल के भीतर अहम टारगेट्स पर हमला करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। और तो और याया सारी ने यह भी कहा था कि यमन के लोग एक लंबी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं जो इसराइल द्वारा छेड़ी गई है। वहीं याफा ड्रोन को लेकर हूती के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा था कि ये एक एडवांस ड्रोन है जो महत्वपूर्ण रणनीतिक और तकनीकी क्षमताओं से लैस है। ये लॉन्ग रेंज और बेहद ही विध्वंसक ताकत से लैस है। अब्दुल मलिक अल हूती ने यह भी कहा था कि इस ड्रोन द्वारा इसराइल के काफी भीतर हमला करना एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे इसराइल में काफी परेशानी हुई है और बाहरी ताकतों की एक मिसाल भी कायम हुई है। अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने बयान में ये तक कह दिया था कि याफा पर हमला करना इसराइल के लिए मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा झटका है। यहाँ तक कि इसराइली नेतृत्व ने भी इस बात को माना है। हालांकि जिस ड्रोन से यह हमला किया गया था उस ड्रोन को लेकर अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से यमन में बनाया गया है और हूती की एयरफोर्स ने इसे लॉन्च किया था। मलिक ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें ये कहा गया था कि इस ड्रोन को किसी अन्य देश या पक्ष ने बनाया है।